हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। भारत का इतिहास या फिर भूगोल, ये इतना बड़ा है कि इसको याद करने के लिए रातों की नींद हराम हो जाती है। हर क्वेश्चन के आंसर याद करना सभी के लिए इम्पॉसिबल सा होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर जॉब इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेविटी की खोज किसने किया था? हम सब ने ग्रेविटी के बारे में फिजिक्स में पढ़ा ही है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं इसकी खोज किसने किया था? तो आइए जानते हैं। ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने किया था, इसलिए हमें फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस देश में जंतर मंतर स्थित है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? आइए जान लेते हैं अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? और आप कमेंट में ये भी बताना कि संविधान को किसने लिखा है। आइए इसका आंसर देखते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, मोटर गाड़ी में से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? आप बताइए आपकी बाइक या स्कूटी से कौन सी गैस निकलती होगी। आइए देखते हैं इसका आंसर। मोटर गाड़ी में से निकलने वाली गैस का नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हीरे की खाने कहाँ है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। भारत में हीरे की खान आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। क्या आप में से कोई आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़ में रहता है? क्वेश्चन नंबर 7, किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार आता है? अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। एंडीज नामक मच्छर के काटने से डेंगू बुखार आता है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्राई आइस क्या होता है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ड्राई आइस का मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य क्या है? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय गान को गाने में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगता है? आइए इसका आंसर देखते हैं। हमारे राष्ट्रगान को गाने में हमें 52 सेकंड्स लगते हैं। क्या इसका आंसर आपको पहले से ही पता था? क्वेश्चन नंबर 11, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गुब्बारों को भरने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लाश कितने साल पुराना है, ये कैसे पता चलता है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। लाश पर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों से पता चलता है कि मौत कितने समय हुआ है, और पोस्टमार्टम में डॉक्टर इसकी गहराई से जांच करके मौत के कारण का भी पता लगाते हैं। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि लाश कितने साल पुरानी है, ये कैसे पता चलता है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बेसिक्स क्वेश्चंस जाने जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।